नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 19 महाकवि कालिदास स्वाध्याय संपूर्ण सॉल्यूशंस जोशु। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। जवाब, कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी यानी उज्जैन माना जाता है। बीजू, मेघदूत का नायक कौन है? जवाब, मेघदूत का नायक एक यक्ष है। त्रिजु, विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था? जवाब, विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। प्रश्न बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए। पहलू, कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? जवाब, निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। बीजू, विद्योत्मा का परिचय दीजिए। जवाब, विद्योत्मा राजा शारदानंद की पुत्री थी, वह गुणवंती विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। त्रिजु, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। जवाब, महाकवि कालिदास की कृतियां ऋतुसंहार, मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्नोत्तर, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू, जिसमें सबका हित समाया हुआ हो। जो अवश्य सर्वहितकारी। बीजू, विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा। जो अवश्य शास्त्रार्थ। त्रिजु, विद्या में जो उत्तम हो। जो अवश्य विद्योत्मा। चौथु, बच्चों का पारिवारिक रक्षक। तो जो अवश्य अभिभावक। पांचवू, साहित्य की रचना करने वाला। तो जवाब आवश्य साहित्यकार। अने छठू, देखने में लायक। तो जवाब आवश्य दर्शनीय। प्रश्न चार, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, विद्योत्मा के एक उंगली दिखाने में। जवाब आवश्य ईश्वर के एक होने। बीजू, सृष्टि का निर्माण। जवाब आवश्य पांच। त्रिजु, ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक। जवाब आवश्य उटू उटू। थैंक यू मित्रों।